एनएमटीवी को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। चलते लोगों की आर्थिक स्थिति काफी बिकट हो चुकी है, व्यवसाय ठप पड़ चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब एवं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। लोग दो वक्त के खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एवं रमजान महीने में रोजे रखने वाले लोगों की ईद अच्छे से गुजरे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा नवी मुंबई एवं श्री गणेश जी नाइक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से तुरभे से लेकर बेलापुर तक मस्जिद एवं मदरसों में खजूर एवं अनाज का वितरण किया गया, जहां से ये अनाज गरीब एवं जरूरतमंद मुस्लिम समाज के लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। तुरभे नोड, तुरभे नोड स्थित अल मदीना मदरसा मस्जिद ट्रस्ट में खजूर एवं अनाज का वितरण किया गया, जहां पर पूर्व परिवहन समिति सभापति अनवर शेख मौजूद थे, जिन्होंने स्वयं विधायक गणेश नाइक के भेजे गए अनाज की बोरिया एवं खजूर के बॉक्स मस्जिद के ट्रस्टी को सुपुर्द किए। वाशी नोड स्थित नूर मस्जिद में भी अनाज एवं खजूर की बोरियां श्री गणेश जी नाइक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से वितरित की गई, जहां पर समाज सेवक विजय वालुंज, सुरेश शिंदे मौजूद थे।
इस दौरान नूर मस्जिद के सदस्य ओसामा कुरैशी ने अनाज एवं खजूर देने के लिए विधायक गणेश नाइक का शुक्रिया अदा किया एवं ये भी कहा कि निश्चित तौर पर ये अनाज जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा जाएगा। गणेश जी, नाइक साहब ने ईद के लिए जो सामान भेजा, जरूरतमंद को हम पहुँचा देंगे और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा वो सहायता करते रहते, इस बार भी उन्होंने राशन का किट भेजा है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। हम सब सामान जो है ज़रूरतमंद तक पहुंचा देंगे, जो भी रहेगा ईद के ओकेजन पे भेजा उन्होंने तो सब पहुंच जाएगा सामान ज़रूरतमंदों तक। और भी उन्होंने बोल के गए कि कुछ भी हेल्प लगेगी तो हमको बताएं, तो हमेशा वो सहायता करते ही रहते हैं हमारे, तो उनका बहुत धन्यवाद। तो वही वाशी स्थित मलिक हुसैनी बाग में भी अनाज एवं खजूर दिए गए, जहाँ पर समाज सेवक विजय वालुंज, सुरेश शिंदे एवं एडवोकेट नीलेश भोजने मौजूद थे। इस दौरान मलक हुसैनी बाग के सदस्य ने भी विधायक गणेश नाइक का आभार व्यक्त किया। बहुत ही आभारी है आप लोगों के, आपने इस टाइम में है कि आके हमको ये सब चीज है, हम भी आगे उसको जिसको देना है, जो ज़रूरतमंद है उसको हम आगे उसको पहुंचा देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, तो आपने ये अच्छी चीज़ सोची है, बिकॉज इस ज़माने में बहुत ज़रूरत है लोगों को। सानपाड़ा नोड स्थित मस्जिद एवं मदरसों में भी विधायक गणेश नाइक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अनाज एवं खजूर का वितरण किया गया, जहां पर समाज सेवक राजेश ठाकुर एवं भाव भाव कर मौजूद थे। यहाँ पर भी मस्जिद के सदस्य ने विधायक गणेश नाइक का आभार माना। कुछ सामान भेजे है गरीब मुसलमान बंधुओं को लिए, तो हम लोग शाम तक उन लोगों को गरीब तक पहुँचा देंगे, ये उनका शुक्रिया है। नेरुल नोड। नेरुल स्थित मदरसा गुलशन ए मदीना, जामा मस्जिद एवं हजरत सैयद पीर आमिर शाह बाबा दरगाह शरीफ में खजूर एवं अनाज का वितरण किया गया, जहां भाजपा के नवी मुंबई उपाध्यक्ष सुनील सुतार मौजूद थे।
नाम मोहम्मद गफूर शेख है। मैं दरगाह मस्जिद सैयद हज़रत आमिर शाह आबाद दरगाह का सदर हूँ। धन्यवाद श्री गणेश जी नाई साहेब यांचा की आम्हाला त्यांच्याकडून धान्य वाटप मिळालेलं आहे गरजू गाववाल्यांना, त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचे धन्यवाद आहे। त्यांच्यासोबत सुतार साहेब, पाटणकर साहेब, अर्शाबुद्दीन हे सोबत आलेले आहेत, त्यांच्या यांच्यातून आम्ही धान्य वाटप करणार आहोत। सीबीडी बेलापूर नोड। सीबीडी बेलापुर नोड में भी विधायक गणेश नाईक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अनाज एवं खजूर का वितरण किया गया। ये वितरण हजरत सैयद ख्वाजा अमीन शाह चिश्ती मस्जिद में किया गया, जहां पर पूर्व नगर सेविका राजश्री कातकरी एवं अशोक गुरखे मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमटीवी न्यूज़।